हाँ चाचा जी, आइए हम लोग बड़े भैया बुलाए हैं, आइए चले आइए। अभी लखनऊ से आए हो क्या? और सब तो ठीक है ना बेटे? ठीक है चाचा जी, हाथ चल रहा है ना तुम्हारा? बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं बेटा ये देख रहा हूँ कुछ चेहरा तुम्हारा गर्म दिखाई दे रहा है, क्या बात चाचा जी? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इस घर में कैसी बात है कि आज रजनी मुझसे इस तरीके से बात कर रही है? ये बताओ चाचा, राहुल मुझे भाई नहीं बल्कि बाप के शरीर के मानता है। मैं उसे भाई नहीं बेटे के शरीर के मानता हूं, लेकिन मेरा राहुल मेरे बीवी के साथ ऐसा किया। बोलो बेटे, बस धीरे बोलो, दीवारों को भी काम होते हैं। देखो बेटा, मैं भगवान का भक्त हूं, झूठ तो बोलूंगा नहीं। बेटा मैं गया था पंचायत में और वहां फैसला करके जब लौटा सोचा कि घर में भोजन कर लूं, जो भी कमरे में पांव रखा तो रजनी के कमरे से बचाओ बचाओ की आवाज आई। कहने के बाद पंचायत से वापस हुए तो कमरे में क्या बताऊ क्या भाई, आपके खाली में पहुंची पहुंची। अच्छा तो मैं दौड़ता हुआ जब पहुंचा रजनी के कमरे में तो देखता हूं रहुलवा उसका गला दबा कर चला। मैंने दो चार हाथ मारा, कहा नारे तुम यहां से हट जाओ हट जाओ, हमारा बड़ा भाई राजीव कुमार आएगा तो उसका फैसला करेगा। देखो बेटा वो तुम्हारा छोटा भाई है, इसलिए वो फैसला मैं तेरे ऊपर छोड़ दिया। आगे हमेशा राजेश किसी भैया 5 रुपये गुटका के पुरस्कार बा, कहत है चेहरा सर नहीं गलत बा, बताई दे अपने भैया के साथ दे गलत बा, लेकिन मैं बताऊ भाई जाई दे बताई दे हमारे चाचा इज्जतदार मरिया है, इनके इज्जत माटी मिल जाए। आपने मुझसे जो कुछ बताया सत्य है, चाचा सुनो मैं कुछ कहना चाहता हूं। ठीक है बेटे, देखो वो तुम्हारा छोटा भाई गुस्से से काम मत लेना, चलो ठीक है। राहुल कभी चाय पीता होगा उसको फोन करो कि तुम्हारा बड़ा भाई आया है अब बुला रहा है। ठीक है चाचा, अब इन्हें हम लोग भी खून गई थोड़ी कह देते ही 38 चश्मा जींस फटा टी शर्ट आपके लगन के अगर नंबर कभी संजय रहेगी, कृपया 9 महीने बाद टहल करिए।
ये टावर कहाँ लगता है तेरा? नहीं लगता। दूसरा लगा? दूसरा लगा होता ही सत्तानवे बयानवे छानवे छानवे एक दही और छानवे हम चंदू जंजल मुझे से बोले थे आओ बड़ के भैया यहाँ आपके पुराने बहन भैया और कहीं से बोला जाता है क्या मुझसे नहीं बोला जाता कहाँ किया ना अरे नाय तुमको बुलावा कहाँ भैया बुलावा कहाँ राजू मुझे पंचायत में जाना है मैं चल जा रहा हूँ अब देखो तुम जाओ सुनो छोटे भाई Yeah.
मैंने कुछ नहीं किया भैया, जो भाभी कह रही है इस शरह से रानी, और रानी के खेत में बच्चा है, वो कहाँ लेके जाएगी और मैं उसका अच्छा देखभाल करूंगा।
बड़े भैया आएंगे तो मेरी क्या कथा करेंगे अगर सुनेंगे। अरे वो तेरी भाई नहीं, तेरी माँ रहती थी, अपने माँ के साथ तुम्हें ऐसा काम कर ले सब नहीं आई। अरे भैया कहते तेरी जमात कर दिल के भैया निकल ले चल जाएगा। भैया कपड़े उतार दे भैया, भौजी कपड़ा ले ही भैया चले जाओ। कौन भौजी कपड़ा ले आपका भौजी का कपड़ा ले मिला दो भैया। हम से
देखा करता था दोस्तों, आज शिव भाई के आंखों में आंसू और चेहरे पे उदासी और मेरी भविष्य में जिंदगी हर में अचानक भैया घर छोड़ के क्यों जा रहे हैं, इसका कारण मैं भैया से जरूर मालूम करूंगा। भैया क्या कहना चाहते हैं? कौन रमेश? जो मुझे बताया जैसे